आईफोन की सेल इंडिया के अंदर काफी बढ़ रही है, लेकिन जो लोग आईफोन भाई पहली बार लेते हैं उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम वही बताने वाले हैं। वैसे 2022 में हमने इसका पार्ट वन बनाया था, लेकिन 2023 में भी हमें बहुत दिक्कतें फेस करने के लिए मिल रही है, तो आज उनकी बात करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपके भाई ने लिंक दिया है। प्रॉब्लम नंबर वन, काफी लोगों को लगता है भाई एंड्रॉइड फोन ही हैंग होते हैं, आईफोन हैंग नहीं होता। तो भैया आईफोन भी हैंग हो जाता है, ऑटोमेटिक रीबूट होता रहता है, बीच बीच में स्क्रीन काली हो जाती है, बीच में विष्णु जी का चक्र घूमने लग जाता है। और ऐसा इस वजह से क्योंकि इसकी कैश मेमोरी फिल होते ही ये अपने आप ये हरकतें करने चालू कर देता है। और दिक्कत तो ये आती है जब आप कोई टेक्स्ट कर रहे हो किसी को और आपने लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा हो और फिर ये ऐसा कर दे तो बहुत दिल पे चुभता है, फिर से लिखना पड़ता है यार, वैसी माल सी लिखने में। और दूसरी दिक्कत आती है इसके कैमरास भाई, इसके कैमरा लोग ले लेते हैं इस वजह से क्योंकि ये बढ़िया वीडियो निकाल के देता है। तो भाई वीडियो तो अच्छी निकाल के देता है, लेकिन जैसे 5 बज जाते हैं ना शाम के, इसका कैमरा हो जाता है बावला भाई, HDR लगाता ही नहीं है। मतलब कहीं से ज्यादा लाइट आ रही है तो उसे चमका के रखेगा ज्यादा। अगर मैं 15,000-20,000 वाला एंड्रॉइड फोन भी उठाऊं वो भी अच्छे से HDR हिट कर लेता है, लेकिन आईफोन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हो अगर आपको अपने भाई पे यकीन नहीं है। और एंड्रॉइड और आईफोन के अंदर मुझे आजकल एक प्रॉब्लम और नोट हो रही है भाई, कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पा रहा हूं, बस HFV को सब्सक्राइब कर रहे हैं, चाहे आप करके देख लो। इसके अलावा भाई इस फोन में अगर चलो वीडियो अच्छी रिकॉर्ड हो गई, फोटो भी क्लिक हो गई, बात आती है अब शेयरिंग की। लाइक मैंने शादी पार्टी में बहुत फोटो क्लिक करी अपने दोस्तों की, परेशान कर देते हैं, शेयर कर दे। लेकिन उन्हें दुख कौन बताया कि भाई फोटो शेयर करने के लिए पहले फोटो को मेरे को फाइल में डालना पड़ेगा, फाइल के बाद डॉक्यूमेंट बनाने के लिए अलग स्टेप है, और फाइल में जब मैं फोटो डालता हूँ तो स्पेस वैसे भर जाता है फोन का, और फिर ये भाई वैसे चिल्ला के बोलता है तेरे फोन का स्पेस भर गया है, तो ये भी अलग दुख है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब परेशानी नंबर 3 आईफोन की, वो भाई बहुत कॉमन सी चीज है, वो है नोटिफिकेशन पैनल। इसका बिल्कुल भी अच्छे से मैनेज नहीं है, एंड्रॉइड फोन में काफी अच्छे से मैनेज रहता है इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर यही नहीं पता लगता कौन सी नोटिफिकेशन पहले आई है कौन सी बाद में आई है, और अगर आप किसी नोटिफिकेशन को ऐप के अंदर जाके पढ़ भी लेते हो जब भी नोटिफिकेशन पैनल के अंदर उस नोटिफिकेशन को शो करता ही रहेगा जब तक आप क्लियर ना करो, और क्लियर करने में भी लोचा है, क्लियर एक बार में नहीं होती है, यहाँ पर बैचेस में क्लियर कर सकते हो सिर्फ आप इसको। और एक और जो सरदर्द वाली चीज रही है भाई एप्पल के साथ, व्हाट्सएप को लेके भाई, व्हाट्सएप ट्रांसफर तो आजकल होने लगा है लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है इसका व्हाट्सएप का बैकअप बनाना। एंड्रॉइड के अंदर आप व्हाट्सएप बैकअप सिंगल एक क्लिक में बना सकते हो, लेकिन इसके अंदर पहले आपको iCloud के अंदर अलाउ करना पड़ेगा और उसके बाद WhatsApp में जाके आपको बैकअप बनाना पड़ेगा, तो 2 स्टेप हैं। और भाई iCloud के अंदर सिर्फ 5 GB मिलता है आपको, जो कि काफी आसानी से भर जाता है, और भरने के बाद फिर आपके नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन देके सर में दर्द करके रखता है। तो अगर आपको 5 GB से ज्यादा डेटा है तो आपको फिर पे करना पड़ेगा ज्यादा स्पेस लेने के लिए। और एक दिक्कत जो हम इंटरनेट के दीवानों के लिए है वो इसके ब्राउजर में है। लाइक मैं इंटरनेट चला रहा हूँ और इसमें अचानक से काफी टैब ओपन हो जाए तो भाई एंड्रॉइड के अंदर स्वाइप लेफ्ट मार के उसे क्लोज कर दो, लेकिन इसके अंदर आपको नीचे की तरफ लॉन्ग प्रेस करके क्लोज करना पड़ेगा, वरना टैब सेक्शन में जाके वहां से क्लोज करना पड़ेगा, तो ये भी सरदर्दी वाली चीज है। और यही नहीं, इसका जो AOD है कस्टमाइजेशन के नाम पे बिल्कुल धब्बा है, जैसे भाई देखो AOD इसका वॉलपेपर डाल देंगे वो भी हल्की से कम ब्राइटनेस के साथ, लगता ही नहीं भाई लो लाइट के अंदर इसके अंदर ये AOD चला, ऐसे लगता है फोन ऑन रह गया। तो ये सबसे बड़ी सरदर्दी वाली चीज लगती है मेरे को डे टू डे यूजेज में यूज करते हो फोन को। और आईफोन के ऐप स्टोर के अंदर जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड के कंपैरिजन में कम होती है, और दूसरा अगर कोई एप्लीकेशन है भी और पेड है तो भाई एंड्रॉइड से वो ज्यादा महंगी मिलती है। मतलब फोन महंगा ले लिया इसका मतलब ये नहीं बैंक अकाउंट भी भरा हुआ है, पैसा ही पैसा हो गया। और अब एक ऐसी चीज जिसका भाई आईफोन यूजर का कुछ लेना देना ही नहीं है, वो है डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। एंड्रॉइड में आए कितनी साल हो गई है, एप्पल परफेक्शन के चक्कर में अभी तक डाल ही नहीं रहा है। और भाई मेरे को डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ज्यादा कन्वीनियंट लगता है ड्राइविंग के टाइम पे, या मेरे को फोन उठाना है तो फोन उठाते ही मैं लॉक कर देता हूं, ऐसे नहीं मेरे को चेहरा दिखाना है इसको जब ये खुलेगा। हालांकि ये भी ठीक है, मतलब इसकी स्पीड ठीक है, लो लाइट में भी खुल जाता है और आजकल तो मास्क लगा कर भी ओपन हो जाता है, लेकिन मास्क वाला फीचर अभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करती है। जैसे मेरे को कहीं UPI करना है, मैंने मास्क लगाया हुआ है तो भाई से ही अनलॉक होता है। और सबसे बड़े दुख वाली बात आती है कॉल रिकॉर्ड तो करता ही नहीं, ऊपर से इसके अंदर कॉल हिस्ट्री भी लिमिटेड मिलती है। अब मैं हर किसी का नंबर तो सेव करता नहीं, लेकिन एंड्रॉइड के अंदर फायदा ही है, अगर मेरे को किसी ने 10 दिन पहले कॉल करी है तो मैं उसका नंबर ढूंढ सकता हूं, लेकिन इसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ कॉल हिस्ट्री आप देख सकते हो। और ऐसा भी नहीं है एक हफ्ते की दिखाएगा, हो सकता है एक दिन में आपको ज्यादा कॉल आ गई तो एक दिन की दिखाएगा, एक हफ्ते की गायब गया। तो यही कुछ प्रॉब्लम है जो कि आईफोन के अंदर आजकल फेस हो रही है। हालांकि मैंने इसका फर्स्ट पार्ट भी बनाया जिसके अंदर हमने और भी प्रॉब्लम्स की बात करी, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप बताना अगर आप आईफोन यूज करो और आपको किसी और प्रकार की प्रॉब्लम फेस हो रही है, आपको भाई कमेंट्स में पढ़ने वाला है। और जिसकी आईफोन के साथ सबसे यूनिक प्रॉब्लम होगी जिसके बारे में मुझे भी आपसे पता लगेगा, मैं उस कमेंट को पिन करने वाला हूं। और वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कर देना, 10,000 लाइक चाहिए हमें। आजकल यार लाइक नहीं कर रहे हो, छपरी वाली वीडियो पर तो बहुत लाइक बसा रहे हो। और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर देना, ऐसा ज्ञान हम देते रहते हैं। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जॉइन मैं गाइस, वो करें टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद HFV एंड पॉप गाइस।